दोस्तों, ये टाटा एस लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी है और ये एसटी मॉडल है। तो इसका जो साइड ग्लास है टाटा एस का, वो साइड ग्लास ख़राब हो चुका है और वो उसके स्क्रू जो है तो वो जंग लगने के वजह से वो स्क्रू खुल नहीं रहे, और वो स्क्रू खोलने के लिए हमको अलग अलग स्पैनर का इस्तेमाल करना होता है। तो जैसे कि आप छन्नी, हथौड़ी, स्क्रू ड्राइवर, पेचकस जो भी इस्तेमाल कर सकते आप करते, तो हम छोटा पेचकस इस्तेमाल करके देखेंगे सबसे पहले कि वो खुलेगा क्या नहीं। तो छोटा स्क्रू ड्राइवर जो है पेचकस, तो उससे वो स्क्रू हैवी होने की वजह से और उसको जंग रस्ट लगने की वजह से वो नहीं खुल रहे। तो हम स्मॉल टाइप का बीट इस्तेमाल करके देखेंगे तो उससे खुल जाएंगे क्या टीप आने के साथ में। तो वो जो स्क्रू को कितनी भी ताकत लगाइए आप, वो नहीं खुल रहे। जैसे कि उसको वेल्डिंग से या गर्म करके निकालने से आसान तरीका है, उसके लिए हमको बड़ा बीट इस्तेमाल करके देखेंगे हम। तो हम अभी बड़ा बीट इस्तेमाल करके देखेंगे, और ताकत तो छोटे में भी उतनी लगती है और बड़े में भी। तो हम चेक करेंगे साइड ग्लास के स्क्रू इससे खुलेंगे या नहीं। तो इसे ज़्यादा ताकत लगने के बाद में इसमें दो चीज़ें हो जाती है कि ये इसकी जो पकड़ होती है तो वो स्क्रू को आगे पीछे करने के बाद ही खोल देती है। तो जैसे कि अभी हमारा स्क्रू लूज़ हो चुका है एक, और अभी हम क्या करेंगे, दूसरा स्क्रू चेक करेंगे, और दूसरा स्क्रू भी हमको आगे पीछे करने में खुल जा रहा है। तो इसको आगे पीछे करके हम बड़े जो बीट है PH3 मॉडल का, तो वो बीट से हम उसको ज़्यादा ताकत लगाने के बाद स्क्रू खुल जा रहे हैं। तो इस तरह से बगैर स्प्रे के और विदाउट वेल्डिंग के आप इसको खोल सकते हैं। तो इसके लिए हमको सीधा सीधा आसान काम है कि हम जो बड़ा बीट है बड़े बीट का ही इस्तेमाल करेंगे, और जो जंग और ख़राब जिसके फेस हो जाते हैं स्क्रू के, तो वो स्क्रू को भी आप खुल सकते हैं बगैर वेल्डिंग के। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्क्रू में कितना रस्ट लगा हुआ है। तो अभी हम तीनों स्क्रू खोल के साफ़ करेंगे उसको निकाल कर, और लेटेस्ट मॉडल का टाटा SST मॉडल का लेटेस्ट मॉडल का साइड ग्लास उसमें फिट करेंगे। तो साइड ग्लास भी लेटेस्ट मॉडल में और ओल्ड मॉडल में चेंज होता है, छोटा बड़ा होता है थोड़ा। तो लेटेस्ट मॉडल के लिए हैवी वाला साइड ग्लास होता है। तो ये हमारा जो साइड ग्लास ओल्ड वाला था, यानी पुराना जो साइड ग्लास था टूटा हुआ, तो उसके पीछे की जो बॉडी टूटी हुई थी, स्क्रू में फंसी हुई थी, तो हमने उसके स्क्रू खोल कर निकाल दिए। अब उसको साफ़ करके हम न्यू साइड ग्लास फिट करेंगे उसमें टाटा SST मॉडल में। तो हम ये शिवा कंपनी का साइड ग्लास है, और ये हेवी और लॉन्ग साइड ग्लास होता है। तो हम वो साइड ग्लास फिट करने वाले हैं टाटा SST मॉडल के लिए। तो उसके अंदर, उसके साथ में, उसके जो साइड ग्लास होता है उसके साथ में साइड ग्लास भी आता है, और उसका एक पैकिंग कवर भी आएगा आपको, और उसमें एक रबर भी आता है। तो हम वो रबर भी आपको दिखाएंगे, काफ़ी हैवी है और क्लियरिटी भी, यानी उसका जो शीशा है वो बहुत साफ़ होता है। ये देखिए, इसके साथ में इसका एक रबर और एक कैप भी होती है, वो दोनों होते हैं। वो उसको हम नया वाला फिट करेंगे। तो हमने उसको जो पुरानी जगह है उसकी, तो उसको साफ़ कर लिया है स्प्रे से, और अब हम न्यू साइड ग्लास उसके अंदर फिट करेंगे। तो इसके तीन स्क्रू है, तो हम वो तीन स्क्रू फिट करेंगे इसमें। उनको हमने साफ़ कर लिया स्क्रू को, तो हम उसको पहले आराम से मिलाएंगे और फिर बाद में फुल टाइट करेंगे। तो तीनों को भी हम सेम मिलाएंगे पहले आराम से।
पर हमारा साइड ग्लास आराम से बैठ चुका है और हम इसको फुल टाइट कर देंगे बीट से। तो हमको उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी कुछ भी। तो फाइनल कवर है उसके ऊपर का, वो कवर लगा देंगे तो आपका साइड ग्लास कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके अंदर उसकी ग्रिप होते तीन, वो तो ग्रिप में जाकर फिक्स हो जाता है। टाटा एस HT मॉडल लेटेस्ट का, जिसकी जो लाइट्स भी होते हैं सामने से दिखाएंगे आपको हम, तो वो बड़े होते हैं, तो वो ये मॉडल में थोड़ा ऊँचे वाला साइड ग्लास इस्तेमाल होता है लेटेस्ट मॉडल में। और जो गोल लाइट वाला होता है उसमें छोटे वाला साइड ग्लास इस्तेमाल होता है।